Tihar Jail Superintendent has been suspended for alleged involvement in providing special treatment to AAP Minister Satyendra Jain, who has been launched in a prison for the money laundering case. That's the latest news coming in. Remember, the entire controversy broke out after con man Sukesh Chandrasekhar wrote against him being threatened. And before that, there were reports coming in that there was preferential treatment being given to the Delhi Health Minister Satyendra Jain. All right, Naveen Nishant is joining us live on the broadcast. Naveen, it's a big step which has been taken. So the Tihar superintendent has been suspended for his alleged involvement in providing special treatment to AAP minister. Give us more details on the same. बिल्कुल, देखिए बता दें कि सत्येंद्र जैन के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है और तिहार जेल के बैरक नंबर 7 जहां सत्येंद्र जैन रहते थे उसके सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार को दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि ईडी द्वारा कोर्ट में ये जानकारी दी गई थी कि तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, सुख सुविधाएं मिल रही हैं, उन्हें हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। जिसके बाद इस पूरे मामले में सबसे पहले जो उस समय के तिहाड़ जेल के डीजी थे संदीप गोयल, उन्हें ट्रांसफर किया गया था और उनके बदले संदीप बेनीवाल को तिहार जेल के डीजी की जिम्मेदारी दी गई थी। और उसके बाद अभी के समय जो तिहार जेल के बैरक नंबर 7 जहां सत्येंद्र जैन रहते थे उसके जो सुपरिटेंडेंट थे अजीत कुमार, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और ये पूरी कार्रवाई सत्येंद्र जैन को VIP ट्रीटमेंट देने और जेल में बंद जो कौन है ठग है सुकेश चंद्रशेखर उस पर धमकी देने के आरोप में की गई है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई की गई है दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी है उनके द्वारा, और उनके द्वारा तिहाड़ जेल के जो सुपरिटेंडेंट है अजीत कुमार उन्हें अभी के समय सस्पेंड कर दिया गया है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.